कदवा प्रखंड क्षेत्र के आसियानी ग्राम निवासी ऋषभ राज ने 10वीं की परीक्षा में बिहार में टॉप 10 में अपनी जगह सुनिश्चित कर कदवा ही नहीं बल्कि कटिहार जिला सहित पूरे बिहार राज्य को गौरवान्वित किया है। ऋषभ राज के पिता का नाम पुष्पराज राजू है और इनके बेटे ने इनका सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। ऋषभ राज की पढ़ाई उत्क्रमित मध्य विद्यालय आसियानी से शुरू हुई थी, जिसके बाद कई जगह पढ़ाई के बाद ये सफलता हासिल की है। वहीं ऋषभ ने बताया कि वे आगे यूपीएससी की तैयारी पूरी कर आईएएस ऑफिसर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। उन्होंने इस परिणाम का श्रेय अपने माता पिता और भाई बहन के साथ अपने शिक्षकों को दिया है। हमारा इलाका एक बाढ़ग्रस्त इलाका है, यहाँ से मैं 20 किलोमीटर दूर साइकिल से डेली पढ़ने जाता था, जिसमें कि काफ़ी परेशानी होती थी। कभी साइकिल खराब भी हो जाती थी तो उस दिन विद्यालय में मैं अनुपस्थित हो जाता था। और ऐसे ही बहुत मुसीबत से मेरे पिताजी माताजी मुझे पढ़ाए, बहुत मुसीबतों का सामना करते हुए। मेरे पिताजी मेरी शिक्षा में बाधा नहीं लाना चाहते थे, तो बहुत मुसीबत झेलते हुए मैंने पढ़ा और आज ऐसा स्थान पे हूँ। और इससे मेरे माता पिता गुरुजनों काफ़ी उत्साहित हैं। मैं बिहार बोर्ड में इस बार 475 अंक लाकर 10वां स्थान पे हूँ। मैं आगे यूपीएससी कंप्लीट करके आईएएस इंजीनियर आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ। एक लो इनकम परिवार का जो स्थिति होता है उसी में समझौता करके किसी किसी अपना माँ बाप का ख्वाहिश होता है कि बच्चों को पढ़ाएँ, बच्चा मेहनत किया, शिक्षित लोगों का उचित मार्गदर्शन मिला। इधर ऋषभ के 10वीं की परीक्षा में बिहार टॉप 10 में जगह बनाने के बाद से ही बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। सभी लोग उन्हें बधाई देने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं और इस सफलता पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। टाइम्स न्यूज डेस्क कटिहार।